वेल हेलो गाइस, वेलकम टू सफलता एक्सप्रेस चैनल। सो आई एम योर एडुकेटर शरद गुप्ता, और मैं इसमें एक बहुत ही बेहतरीन आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अन अकेडमी पर भी वेरीफाइड एंड स्टार एडुकेटर हूँ, और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसमें हम लोग जो है आप लोगों के लिए एक प्लस कोर्स लाए हुए हैं, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं क्या क्या इसमें देखने को आपको मिलेगा, वो मैं पॉइंट वाइज बताना चाहूँगा। पहले तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अनलिमिटेड इसमें कोर्सेज मिलेंगे आपको पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए। ठीक है, अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में आपको ये मिलने हैं। सेकंड थिंग ये है आपकी कि एक बार अगर आपने फ़ीस इसमें जमा कर दी, मतलब कि इनरोल कर लिया एक बार, जैसे कि आपकी फ़ी ये डिटेल लिखा हुआ है आपका, एक बार फीस जमा करने पे अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे एंड ऑल टॉप एडुकेटर जितने भी आपके होंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया जस्ट, जैसे कि ये हो गए आपके दीपक हिमांशु जी, तेजस राज, सौरभ, मोहित, प्रतीक्षा आचार्य, और ही तरीके से बहुत सारे एजुकेटर और हैं। ठीक है, मैं हूँ इसमें और बहुत सारे एजुकेटर और भी हैं। तो इसमें आप लोगों को ये पढ़ाएंगे ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट एडुकेटर ये जितने भी हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे अन अकेडमी प्लस पे। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सबसे सस्ता कोर्स है एक तरीके से। दूसरे इंस्टीट्यूट से अगर देखें तो सबसे ये सस्ता कोर्स आपका पड़ेगा। जैसे पर मंथ की इसकी कॉस्ट जाने तो 1,000 रुपये पर मंथ की है, बट इसको आप जो है 900 रुपये में पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? मेरा आपको रेफरल कोड यूज़ करना होगा 10% का डिस्काउंट लेने के लिए। ठीक है, 10% का डिस्काउंट लेने के लिए मेरा रेफरल कोड आपको यूज़ करना होगा। और अगर आप 6 मंथ का लेना चाहते हैं तो वो आपका पड़ेगा 750 रुपये पर मंथ के हिसाब से, 4,500 रुपये, और 1 साल के लिए आपको पड़ेगा 500 रुपये के हिसाब से, 6,000 रुपये फीस। ठीक है, इसमें आप लोग जो भी कोर्स लेंगे, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि या तो 6 महीने का लीजिए या फिर 12 मंथ का लीजिए, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो 1 महीने में आपकी नहीं हो पाती है, लगभग आपके लिए उसके लिए 6 से 1 साल के बीच में टेन्योर आपका चाहिए होता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग 6 मंथ का लीजिए या फिर 1 साल का लीजिए। और 10% डिस्काउंट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया होगा और प्लस का लिंक दिया होगा, डायरेक्ट लिंक, तो उससे जो है आप लोग परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, और उसमें 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग मैं ये बात करूँ अगर कि ये जितने भी टेट एग्ज़ाम आपके होते हैं, टीटी एग्ज़ाम मान लीजिए, सी टेट हो गया, स्टेट टेट जितने भी हो गए, सभी के लिए ये होगा आपका। और इसमें 30 घंटे प्लस लाइव आपका चलता है, 20+ एडुकेटर आपके पढ़ाते हैं, और MCQs आपको मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाती है। और सबसे खास बात इसमें ये बना देती है कि जैसे यूट्यूब में आप देखते हैं तो एड्स उसमें आ जाते हैं बीच में, तो डिस्ट्रेक्शन बहुत होता है, इसमें एड से आपको छुटकारा मिल जाने वाला है। एड इसमें कोई भी नहीं आना है, सीधा लाइव क्लासेस आपको इंटरेक्शन होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा लर्नर्स और एडुकेटर्स के बीच में। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसी वजह से जल्दी से आप लोग इनरोल इसमें कर लीजिए। डाउट क्लियरिंग सेशन आपका होता है जितने भी कुछ सेशन हो जाने के बाद, जैसे मान लीजिए 3 क्लासेज आपकी हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई किसी भी चीज़ की। ठीक है, मान लीजिए आप होल नंबर पढ़ लें, होल नंबर की आपकी 3 क्लास हो गई, देन आफ्टर डैट हम लोग डाउट सेशन करवाते हैं, जिससे कोई भी आपको फिर भी डाउट हो तो आप उसमें जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग ये है कि आप लोग PDF के लिए कहा करते हैं, तो PDF आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी, जिसको ई-बुक्स कह सकते हैं या PDF कह सकते हैं, यहाँ से आपकी पूरी PDF प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, अगर आप मिस कर देते हैं कोई भी क्लास तो रिकॉर्डिंग भी यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। चले ठीक है, इतना तो मैंने जानकारी दे दी अन अकेडमी के बारे में, अन अकेडमी प्लस के बारे में, और बहुत ही बढ़िया है, इसको आप जल्दी से परचेज कर लें, वहाँ पे लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हैं, बहुत सारे लोग जुड़ भी गए हैं। तो चले ठीक है, हम लोग देख लेते हैं मीनिंग्स के बारे में, जो कि मीनिंग्स हम लोग देख रहे थे। हमारी 9th नंबर मीनिंग है ए नंबर की, कि एसवेज द फील्ड पर्सन, फील्ड पर्सन कोई भी हो गया है, कोई भी व्यक्ति जो है फील्ड हो गया किसी भी काम में, तो इसको एसवेज करना, सांत्वना देना, कंसोलेशन देना, डैट इज़ कॉल्ड एसवेज। नेक्स्ट हम लोग मीनिंग चलते हैं, डेट इज कॉल्ड एलिविएट द पेन, ठीक है, दर्द को कम करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा दिया डिस्प्रिन एलिविएट द पेन, डिस्प्रिन क्या करती है? दर्द को कम करती है। नेक्स्ट है नेचर, यहाँ पे जोड़ दिया अल्ट्रेंस के साथ, ऐसे अल्ट्रेंस आपका याद नहीं होना था, लेकिन अल्ट्रेंस के साथ हम लोगों ने नेचर जोड़ दिया तो आपका याद हो जाएगा। ठीक है, अल्ट्रेंस नेचर का मतलब होता है परोपकारी नेचर का है, किस प्रभाव का है, किस स्वभाव का है, परोपकारी। नेक्स्ट हमारा आ गया अमास, अमास क्या करते हैं, अमास का मतलब इकट्ठा करना या कलेक्ट करना।
ठीक है, अमास जमनी मनी को इकट्ठा करना, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है एक्रीमोनियस रिलेशंस हो गए हैं, मतलब कड़वे संबंध हो गए हैं किसी के बीच, इट इज कॉल्ड बिटर रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एनामली द वे, ठीक है, वे का मतलब होता है रास्ता, एनामली का मतलब होता है मार्ग, सॉरी भटक जाना, तो एनामली द वे मार्ग से भटक जाना या रास्ते से भटक जाना। नेक्स्ट आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, सीटेट का, टेट का, कोई भी एग्जाम देने जाए, एसएससी का, तो उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, डेट इज कॉल्ड दक्षता परीक्षण, ठीक है, आप कितने उसमें दक्ष हैं, कितना डेक्स्ट्राइट है उसमें, डेट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, तो डेक्स्ट्राइट हो गया, दीज आर सिनोनिम्स ऑफ एप्टीट्यूड, इस तरीके से आपको लर्न करना है इसमें। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एसवेयर द फील्ड पर्सन, फील्ड पर्सन को जो भी फील्ड हो गया किसी काम में, सांत्वना देना, कंसोलेशन देना। नेक्स्ट है एलिविएट द पेन, डिस्प्रिन एलिविएट द पेन, डिस्प्रिन दर्द को कम करती है। नेक्स्ट दिया गया अल्ट्रिज नेचर का है, जो भी स्वभाव है अल्ट्रिज नेचर का है, मतलब कि परोपकारी स्वभाव का है। अमास द मनी, धन को इकट्ठा करना। एक्रीमोनियस रिलेशनशिप बन गए हैं, मतलब कड़वे संबंध बन गए हैं, बिटर रिलेशनशिप। एनोमली द वे, मार्ग से भटक जाना। एंड नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, आपने दिया है मतलब कि दक्षता परीक्षण दिया है, ठीक है। हम लोग गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इसको जल्दी से आप लोग इनरोल कर लीजिए, देन हम लोग जो है वहाँ पे लाइव पढ़ रहे हैं, और लाइव सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे पार्ट थर्ड में वोकेबुलिटी के, जो कि आपका ए सेक्शन का ही होगा, ए के बाद हम लोग चलेंगे फिर जट तक, हम लोग इसी तरीके से चलेंगे, आप लोग को याद करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है बस, ठीक है। तो जल्दी से मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, लाइक कर दीजिए आपको अच्छा लगा हो, और शेयर भी कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।